आज हम बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे के बारे में। तो एरे के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एरे जो होता है, आपको अगर एरे के बारे में नहीं पता तो सी प्रोग्राम में मैंने आपको एरे के बारे में बताया हुआ है कि एरे क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, कैसे मेमोरी में स्टोर होता है। आज हम टू डायमेंशनल एरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम एरे की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़रूरी है, वो है स्टोरेज। कि एरे को अभी तक हम लोग जब टू डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम मैट्रिक्स का सहारा लेते हैं। यानी कि अगर हम टू डायमेंशनल एरे की बात करें कि एक हमारे पास एक एरे है 3x3 का, तो हम जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ये 3x3 का एरे है। ये एलिमेंट्स है, सॉरी 4 हो रहे हैं, ये 3x3 का एलिमेंट, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम मेमोरी की बात करें तो एक्चुअली में मेमोरी में इस तरह से जो आपका एरे होता है वो सेव नहीं होता है, क्योंकि मेमोरी में कोई भी डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि किस तरीके से वो मेमोरी में ऑर्गेनाइज हो, तो कोई भी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर नहीं है जो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हो। तो यानी कि हम लोग ये जो रिप्रेजेंट करते हैं एरे को, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में करते हैं, लेकिन ये जो मेमोरी में सेव होता है तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं होता है, ये हमेशा लीनियर एरे यानी कि वन डायमेंशनल एरे के ही फॉर्म में यूज होता है। अब ये होता कैसे है, तो इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो तरीके से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। सॉरी, तो एरे को स्टोर करने के दो तरीके होते हैं बेसिकली। तो एरे को हम इस तरह से स्टोर नहीं करा सकते, ये हमारे पास 3x3 का एरे यानी कि हमारे इसमें टोटल 9 एलिमेंट हैं। तो जो 9 एलिमेंट होंगे वो सिंगल डायमेंशनल एरे, यहाँ पे तो 2 डायमेंशनल एरे है, लेकिन ये 9 जो एलिमेंट होंगे वो सिंगल डायमेंशनल एरे के फॉर्म में होंगे। इस तरह से ये यहाँ पे स्टोर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपके एरे में स्टोर होंगे। तो जब ये सिंगल डायमेंशनल की तरह से यूज हो रहे हैं तो टू डायमेंशनल से मतलब क्या है हमारा, ये कैसे स्टोर हो रहे हैं, ये 9 एलिमेंट ये किस तरह से स्टोर हो रहे हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये मेमोरी में स्टोर कैसे होते हैं। तो एक्चुअली में एरे जो होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें, मल्टी डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करें, मल्टी डायमेंशनल यानी कि 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल बेसिकली हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, मल्टी की बात नहीं करके हम 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मल्टी के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल की, 2/मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये बेसिकली 2 टाइप से डिफाइंड होता है, एक तो होता है रो मेजर और एक होता है कॉलम मेजर। अब रो मेजर और कॉलम मेजर में फर्क क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो मेजर की। अब इसको हमें स्टोर कराना, मान लीजिए हमारे पास एक एरे है ए 3x3 का, और जिसके एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम रो मेजर में स्टोर कराना चाहते हैं, तो रो मेजर में जब ये स्टोर होगा, जाहिर सी बात है ये सिंगल डायमेंशनल एरे के फॉर्म में ही स्टोर होगा, है ना। तो जब ये सिंगल डायमेंशनल के फॉर्म में स्टोर होना है तो पहला एलिमेंट कहाँ आएगा, रो हमारी ये रही, एक रो, 2 रो और 3 रो, तो यानी कि रो आए, यानी कि पहली रो ये उठेगी और एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, यानी कि 1 4 7, ठीक है। उसके बाद अगली रो आएगी तो वो सेम हो जाएगी 2 5 8, फिर अगली रो आएगी तो वो आ जाएगी 3 6 एंड 9। इस तरह से हमारा ये एरे, हमारा एरे जो है वो मेमोरी में एक्चुअली स्टोर होता है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे पास 0 1 2 0 1 2, इस तरह से हमारा जो है इंडेक्सिंग होती है, जबकि एरे में ये इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से होती है। तो अब हमारे पास कोई हमें जब एलिमेंट सर्च करना होता है, देखिए अभी हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना था, तो रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमें अपने
सहूलियत के लिए हमको इसको इस तरह से यूज करते थे। अगर हम इसको ऐसे यूज कर ले तो इस तरह से कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है, तो हम अपने सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम इसको इस तरह से यूज करते थे। लेकिन चूंकि हमें मेमोरी में इसको स्टोर करना होता है, तो मेमोरी में ये इस तरह से स्टोर होता है। अब अगर हमें मेमोरी में से कोई एलिमेंट निकालना है, यानी कि हमें इसमें से 5 को निकालना है, तो हम क्या सोच रहे हैं, 5 का इंडेक्स कौन सा है, यहाँ पे 0, 1 और 0, 1, यानी कि हमें 1, 1 वाला एलिमेंट चाहिए। जब हमें 1, 1 वाला एलिमेंट चाहिए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे तो हमें सीधे दिख रहा है 1, 1 पे जाएंगे, ये हमारा एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम प्रोग्रामिंग में जब भी लिखते हैं तो i, j के फॉर्म में लिख देते हैं, या इस तरह से लिखते हैं i और j। तो ये जब हम बात करें मैट्रिक्स की, तो इसमें तो i और j का मतलब समझ में आता है कि i की जगह यानी कि 1 और 1, यानी कि इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जब हम बात करें लीनियर एरे की, तो अब इसमें से हमें 5 को सर्च करना है, तो 5 का इंडेक्स तो यहाँ पे पता है। अब हमें कैसे पता होगा कि ये 5 जो है किस इंडेक्स पे है, तो इसका एड्रेस फाइंड करना हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। तो फॉर्मूला डिफाइन करने का क्या मतलब है कि जब भी हमें, अगर हम रो मेजर की बात करते हैं, तो रो मेजर का मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले रो वाइज जाना पड़ेगा, तो हमें इसको 5 को सर्च करना है। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर अगली रो में यहाँ शुरुआत करेंगे और यहाँ पे हमें एलिमेंट मिलेगा। यानी कि हमारे पास जो रो नंबर है, रो नंबर यानी कि आई, अगर हम इसकी बात करें, जब आई और जे की बात करें, तो हम हमेशा इसको इंडेक्सिंग 1 से लेते हैं कि 1, 2, आई की वैल्यू 1, 2, 3, जैसे यहाँ पे, या तो इंडेक्सिंग हम जब 0 से लेते हैं तो होता क्या है, हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको जब आई और जे की वैल्यू रखते हैं तो लूप 1 से चलाते हैं, तो यहाँ पे 1 से आप 0 से भी चला सकते हैं, थोड़ा सा अंतर आएगा, 1 से चलाने में ईजी पड़ जाएगा। तो मैं वही 1 से चला के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको 0 से भी बताऊँगा कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग यहाँ पे सेव हो रही है, ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं ये 1 से हमारा पास शुरू हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 1 से हम क्यों मान रहे हैं, ये अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ी सी हमें यहाँ पे दिक्कत होगी अगर हम इसको 0 से लेते हैं तो। हालांकि 0 से हम ले सकते हैं, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए, हमें क्या चाहिए, 2, 2 चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, 2, 2 चाहिए। तो कैसे सर्च करेंगे 2, 2, हम जाएंगे फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, दूसरी रो कंप्लीट करके दूसरी रो में दूसरा कॉलम हमें चाहिए, है ना। तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास देखिए 5वें नंबर पे आ रहा है, तो फर्स्ट रो कितनी है, 3, यानी कि हमें फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। कौन सी रो में जाना है, हमें इस रो में जाना है, तो फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद दूसरी रो में, जिस रो में उसका कॉलम, यानी कि 2, तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और 5 वाला एड्रेस की हम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लीजिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मान लीजिए 9 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 3, 3 की, यानी कि हमें 2 बार पहली रो कंप्लीट करनी पड़ेगी, दूसरी रो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यानी कि हमें 2 × 3 प्लस, और इसका कॉलम नंबर कौन सा है, 3, तो 3, यानी कि हमारे पास 9वां एलिमेंट आएगा। तो इस तरह से हम इसका फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए, हमें जितने जिस रो में होगा, यानी कि उस रो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर ऑफ एलिमेंट से, प्लस हमें उतने कॉलम जोड़ने पड़ेंगे। तो अब हम इसको 0 के टर्म में आपको डिफाइन करते हैं। अभी हमने ये 1 के टर्म में डिफाइन करके आपको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे वर्क करता है। अब हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, तो इसी को हम 0 के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हमने बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये जब स्टोर होगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये स्टोर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमें इसको फाइंड आउट करना है, यानी कि 1, 1 को, है ना, 1, 1 को हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन से एड्रेस पे है, 4th नंबर के एड्रेस पे है। तो देखिए, हमें ये जो नंबर ऑफ रो है, ये 0, 1, 2, 0, 1, 2, अब हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1, 1 इसलिए लिया था ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अब यहाँ पे अगर आपको ये समझ में भी नहीं आया तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। आपको जितनी नंबर ऑफ रो ली है, यानी कि आपको ये जो कोऑर्डिनेट दिया है, आगे वाला आपका रो है और ये आपका कॉलम है,
तो आपको नंबर ऑफ रो में 3x3 इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कितने आपके, तो n इंटू आई m क्रॉस n का है, यानी कि आपको नंबर ऑफ कॉलम में आपको इस 3 की वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस कॉलम की वैल्यू को यानी कि j की वैल्यू को, i कॉमा j के फॉर्म में आप लिखते हैं इसको, इसको जोड़ना है और ये आपका आ जाएगा एड्रेस। अब कभी कभी क्या होता है कि ये एड्रेस आपका जीरो से ना शुरू होकर किसी बेस एड्रेस से शुरू होगा, मान लीजिए 100 से शुरू होगा, तो 100 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, 100, 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
100 से शुरू हो रहा है तो 100 को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो एड्रेस जो आपको निकालना है, एड्रेस ऑफ ए आई कॉमा आई एंड जे, याद रखिएगा, इसमें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है भैया। ए जो है वो है एम और एन का, एम क्रॉस एन का एलिमेंट है। मान लीजिए आप 3, यानी कि 4, 3 से ले लेते हैं तो आपको आसानी से होगी समझने में। 1, 2, 3 जो है इसमें दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दूँ, बेस एड्रेस प्लस एन यानी कि ये वाला टर्म कॉल इनटू आई, आई प्लस जे, ये आपका फॉर्मूला है एड्रेस निकालने के लिए, ये आपका फॉर्मूला है। अभी आया कैसे है इसको जरा हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि आप कैसे, अभी आप फॉर्मूला याद करिए और इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने हैं, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि हमने किया क्यों और कैसे हमने किया है। तो देखिए, हम मान लीजिए इसकी वैल्यू कोई भी लिख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं 2, 3, ठीक है, तो ये होगा 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, यानी कि 3, 2 ले लेते हैं, 3, 2, क्योंकि ये यानी कि 0 से 3 तक जाएगा और ये 0 से 2 तक जाएगा, तो 3, 2 ले लेते हैं, 3, 2, यानी कि हमें इसको 12 को फाइंड आउट करना है। तो 3, 2 जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू पास करेंगे, 3, 2, जब हम 3, 2 की बात करते हैं तो हमें यहाँ 3 और 2 यहाँ पास करेंगे, तो बेस एड्रेस अभी हम इसको 0 मान के चल रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको 0 ही मानना है, क्योंकि जब तक बेस एड्रेस नहीं दिया रहेगा तो आपको एड्रेस यहाँ पे 0 से इंडेक्स मानना है प्लस। अब आप यहाँ देखिए एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 3, यानी कि 3 एलिमेंट है, इंटू आई कितना है आपका 3 प्लस जे आपका कितना है 2, तो आपकी वैल्यू आ गई 9, 11, 12, वैल्यू आ गई आपकी 12। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपकी वैल्यू। ये यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और हो जाता है कि ये 12 जो है ये वैल्यू नहीं आई, ये एड्रेस आया है। अगर हम इसको ले लें, चलिए इसको ले लेते हैं 14, इसको ले लेते हैं 10, इसको ले लेते हैं 100, इसको ले लेते हैं 30, इसको ले लेते हैं 80, इसको 60, इसको 90, इसको 50, 70, इसको 80, ये ले लेते हैं वैल्यू। तो ये 12 जो है एड्रेस आया, यानी कि इस एड्रेस पे 12 नंबर के एड्रेस पे ये जो एरे स्टोर होगा, तो इस तरह से एरे स्टोर होगा, तो इसका जो 12 नंबर का एड्रेस होगा उस पे आपका ये 14 जो है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो है एड्रेस फाउंड करना है। तो आपका फॉर्मूला ये है, आपका मेन फॉर्मूला है बेस प्लस एन ऑफ आई प्लस जे, वेयर एन क्या है, जो एरे जो होगा वो होगा एम क्रॉस एन का। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, एन का मल्टीप्लाई आई के साथ और जे को ऐड करना है बेस एड्रेस के साथ। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूँगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास एक एरे है 5x6 का। मान लीजिए अब मैं एक अच्छा खासा कुछ नंबर सॉल्व करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो इसमें एलिमेंट है, आइए मैं यहाँ पे चूंकि नंबर 1 से शुरू करूंगा तो फिर से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि एड्रेस और वैल्यू सेम आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ, चलिए 5 से शुरू करता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 5 हो रहे हैं, तो 30, 31, 32, 33, 34, ये देखिए, बता दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम और 5 रो। अब हमें मान लीजिए इस एलिमेंट को सर्च करना है, इस एलिमेंट को, तो ये 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, हमें इस एलिमेंट को सर्च करना है, यानी कि 3, 3 को सर्च करना है, तो हमें जब 3, a of 3, 3 को सर्च करना है, तो इसके लिए सीधी सी वैल्यू है कि बेस एड्रेस को हमें 0 मानना है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 6 इंटू i कितना है 3 प्लस j कितना है 3, यानी कि 18 प्लस 3 21। अब देखते हैं इंडेक्सिंग 21 आता है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, I think, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने यहाँ पे 1 से शुरू किया है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, जब ये एरे में स्टोर होगा तो इस तरह से स्टोर होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो यहाँ पे आएगा 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से जब ऐड होगा तो ये आपका जो है 0 से शुरू होता है, तो यहाँ पे 0 से काउंट करेंगे तो ये 21 जो है आपका एड्रेस आएगा, तो 21 वाला एड्रेस में आपकी 23 वैल्यू स्टोर होगी, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। ये मैंने काफ़ी बड़ा एग्जांपल लेके इसीलिए बताया, वैसे इतना बड़ा एग्जांपल पूछा नहीं जाएगा आपसे, तो ये इस तरह से आपके इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधे ये वैल्यू दे दी जाएगी और आपको आई और जे की वैल्यू दी जाएगी, यहाँ पे 15 और 16 भी हो सकता है, कोई बड़ी वैल्यू हो सकती है, तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले में रखनी है और आपको कैलकुलेट करना है। तो ये था आपका रो मेजर ऑर्डर, दूसरा आपका कॉलम मेजर ऑर्डर होता है, तो उसको सेम इसी तरह से होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, उसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।